हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति। एक बार फिर से लर्न इंग्लिश विथ योर डेली यूज प्रोडक्ट इस प्रोग्राम को लेकर आपके बीच हाजिर हूं। दोस्तों, हमारे डेली यूज प्रोडक्ट भी हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, तो इसी के तहत मैं आज कर ये प्रोडक्ट अमूल बटर लेके आई हूँ आपके बीच। दोस्तों, क्या आपने अमूल बटर के पैकेट को गौर से देखा है? उसमें स्लोगन लिखा रहता है, अटरली बटरली डेलिशियस। हमें एक नया वर्ड हम सुन तो रहे पहले से ही थे कि अटरली बटरली डेलिशियस, लेकिन कभी इस पे हम शायद ज़्यादा गौर नहीं दिए, ध्यान नहीं दिए और ज़्यादा गौर नहीं किए हो। ये अटरली क्या है दोस्तों? अटरली का मतलब होता है कम्प्लीटली, टोटली, अर्थात अटरली का मतलब होता है पूर्णतया। तो अटरली बटरली डिलीशियस अर्थात पूर्णतया मलाईदार और स्वादिष्ट, अटरली बटरली डिलीशियस। अटरली का इस्तेमाल अलग अलग तरह से सेंटेंसेस में भी किया जा सकता है दोस्तों। दूसरा वर्ड मिला हमें स्वादिष्ट, डेलीशियस। डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। तो दोस्तों, इस वर्ड डेलीशियस का हम जहाँ भी स्वादिष्ट के टर्म में हमको यूज़ करना, हम अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द फूड वॉज डेलीशियस, भोजन जो बहुत स्वादिष्ट था। केक इज डेलीशियस, केक काफ़ी स्वादिष्ट है, केक स्वादिष्ट है। यूज ऑफ वर्ड अटरली इन इंग्लिश सेंटेंसेस। अब अटरली का इस्तेमाल हम लोग इंग्लिश सेंटेंसेस में किस तरह से कर सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच लेके आई हूँ। इट वॉज सो अटरली ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर था। इट साउंड सो अटरली स्ट्यूपिड, बहुत ही बेवकूफ़ी भरा लग रहा था। दोस्तों, वेन यू गेट टायर्ड ऑफ राइटिंग वेरी, utterly is a good word choice। मतलब जब आप शब्द very का इस्तेमाल करते करते बोर हो गए हो, टायर्ड थक गए हो, तो utterly जो है very की जगह पे इस्तेमाल होने के लिए बहुत ही अच्छा word choice है। मतलब आप जहाँ भी very का इस्तेमाल करते हैं, उस जगह utterly का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बहुत, पूर्णतया, completely, utterly का मतलब यही होता है। अब जैसे एक सेंटेंस है दोस्तों, जरा देखिए इसे। शी वॉज अटरली अनेबल टू रिकॉल आइदर द नेम ऑफ द स्टोरी और द बुक। वह पूरी तरह से असक्षम थी याद करने में, बुक का नाम याद करने, स्टोरी का नाम याद करने में और बुक के नाम को याद करने में। तो कुछ इस तरह से हम अटरली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और अटरली से ही अटर बना है, अनेबल टू अटर द वर्ड। अटर का मतलब होता है कुछ कहने के लिए आवाज़ निकाल। वॉट, सी डिडंट अटर अ वर्ड इन द मीटिंग, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोली मीटिंग में। सी डिडंट अटर अ वर्ड इन द मीटिंग। तो देखा ना दोस्तों, हमारे डे टू डे डेली यूज प्रोडक्ट भी काफ़ी कुछ हमें सिखा देते हैं। ज्ञान जहाँ से भी मिले हमें सीख लेना चाहिए। टेक नॉलेज वेर एवर यू आर। दोस्तों, अपने डे रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स को देखिए, आपको अच्छे अच्छे स्लोगन, नए नए वर्ड्स आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस और अपने वोकेबलरी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा होगा। ये इस तरह के वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर दोस्तों कमेंट कर बताइए। मैं इस तरह के और भी कुछ डेली यूज़ प्रोडक्ट ले आके आपको नए नए सेंटेंसेस और वर्ड्स बताऊंगी। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, उससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है। तो ज्योति स्टडी सेंटर के साथ यूं ही जुड़े रहिए। इसके आने वाले सारे वीडियोस को देखिए, इस वीडियो को